प्लेन्स मनुष्य के सबसे क्रांतिकारी आविष्कारों में से एक है। आज लगातार हजारों लोग हवाई जहाज के जरिए सफर करते हैं। जमीन से कई किलोमीटर ऊपर जब हम प्लेन में बैठे होते हैं तो हमें अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाने की जवाबदारी हवाई जहाज चलाने वाले पायलट्स की होती है। टेक ऑफ और लैंडिंग, ये दोनों ही काम एक पायलट के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि इस दौरान की गई एक जरा सी भी चूक अपनी और प्लेन में बैठे सभी यात्रियों की जान को खतरे में डाल सकती है। आमतौर पर एयरपोर्ट्स पर एक लंबा रनवे होता है जहां टेक ऑफ के लिए प्लेन को बहुत तेज स्पीड में चलाया जाता है और लैंडिंग के दौरान हवाई जहाज को रोकने के लिए ब्रेक्स लगाकर धीमा किया जाता है। पूरे विश्व में कई ऐसी जगहें हैं जहां प्लेन उड़ाना अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर है। वजह है वहां के खतरनाक एयरपोर्ट्स, पहाड़ी इलाके, बर्फीले क्षेत्र और पानी वाली जगहों पर बने एयरपोर्ट्स पर प्लेन को लैंड और टेक ऑफ करने में बहुत मुश्किल होती है। कुछ जगहों पर रनवेज जरूरत से ज्यादा छोटे हैं, तो कई जगहों पर आंधी तूफान और बर्फ लगातार गिरती रहती है। कई एयरपोर्ट्स बिल्कुल खाई के पास, तो कई जगहों पर रनवे से चलता ट्रैफिक या रेलवे क्रॉसिंग बनी हुई है। ये वो जगह है जहां जान हमेशा जोखिम में होती है और किसी भी वक्त हादसे होने का खतरा बना रहता है। आइए जानते हैं दुनिया में पाए जाने वाले कुछ ऐसे ही खतरनाक एयरपोर्ट्स के बारे में। If you have not yet subscribed our channel, please hit the subscribe button to stay connected and press the bell icon to get latest updates. Princess Juliana International Airport। प्रिंसेस जूलियाना एयरपोर्ट सेंट मार्टिन के कैरेबियन आइलैंड का मेन एयरपोर्ट है। इसका नाम क्वीन जूलियाना के नाम पर रखा गया। ये एयरपोर्ट समुद्र के काफी नजदीक है और जो बात इस एयरपोर्ट को खतरनाक बनाती है वो है इसकी लो एल्टीट्यूड फ्लाईओवर लैंडिंग, यानी कि इस जगह पर प्लेन उतारने के लिए विमान को पानी के काफी नजदीक लाना पड़ता है और ऐसा करते हुए प्लेन समुद्र के किनारे पर मौजूद माहो बीच के इतने करीब आ जाता है कि मानो प्लेन वहीं उतरने वाला है। इसी वजह से माहो बीच वहां की बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय जगह बन चुकी है। लोग अक्सर यहां प्लेन्स को अपने नजदीक से गुजरते हुए देखने आते हैं और लैंडिंग तथा टेक ऑफ का इंतजार करते रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब हवाई जहाज कम ऊंचाई पर होते हैं तो उनकी आवाज साफ साफ सुनाई देती है और दिखने में भी वो काफी बड़े लगते हैं। लेकिन प्रिंसेस जूलियाना एयरपोर्ट दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां प्लेन्स उतरते समय लोगों के बहुत नजदीक आ जाते हैं। इतनी पास से जब विमान गुजरता है तो आवाज के साथ साथ तेज हवा का तूफान भी पैदा हो जाता है। बीच पर मौजूद लोग तो इसका भरपूर आनंद उठाते हैं, लेकिन प्लेन चलाने वाले पायलट पर कितना प्रेशर है ये तो वो ही बता सकते हैं। मकमुर्डो एयर स्टेशन, एंटार्क्टिका। अब तक हमने देखा कि कैसे एयरपोर्ट्स के रनवेज का छोटा होना या आसपास पानी और पहाड़ों का होना लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रक्रिया को खतरनाक और जोखिम भरा बना देता है। लेकिन एंटार्क्टिका के इस एयरपोर्ट पर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। बावजूद इसके ये एयरपोर्ट काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ विमान को उतारने के लिए रनवे बर्फ पर ही बनाया गया है। एंटार्क्टिका एक बर्फीली जगह है जहाँ ना चाहकर भी प्लेन्स को बर्फ पर ही लैंड करना पड़ता है। एंटार्क्टिका में बर्फ पर लैंड करने के लिए पायलट्स को स्पेशल कोल्ड वेदर लैंडिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि फिसलन की वजह से विमान का संतुलन बिगड़ सकता है और गंभीर दुर्घटना भी हो सकती है। लुका एयरपोर्ट, नेपाल। नेपाल का ये एयरपोर्ट खासकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले लोगों के लिए बना है। जो बात इस एयरपोर्ट को खतरनाक बनाती है वो है यहाँ का छोटा सा रनवे। छोटा रनवे होने की वजह से टेक ऑफ के लिए प्लेन्स को यहाँ से कम समय में ही सफिशिएंट स्पीड पकड़नी होती है और ऐसा करते हुए किसी भी तरह की गलती होने का सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि रनवे खत्म होते ही आगे 600 मीटर गहरी खाई है। छोटा रनवे और गहरी खाई, ये दोनों ही कंडीशंस इस जगह को काफी रिस्की बना देती हैं। इसलिए यहाँ प्लेन लैंड और टेक ऑफ करने के लिए पायलट्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। नए पायलट्स को यहाँ प्लेन उड़ाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। टेक ऑफ या लैंड करते समय सही टाइमिंग, सही ब्रेकिंग और दिमागी सूझबूझ की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। बावजूद इसके कई बार बादल और घना कोहरा होने के कारण रनवे दिन में भी ठीक से नहीं दिखाई पड़ता और दुर्घटना की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ये एयरपोर्ट दुनिया के खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है। टोनकॉन्टिन एयरपोर्ट, टेगुसिगाल्पा, होन्डुरास।
टोनकॉन्टिन एयरपोर्ट का रनवे दुनिया का सबसे छोटा कमर्शियल रनवे है, जिसकी लंबाई मात्र 6,112 मीटर्स है। कमर्शियल रनवेज पर आमतौर पर बड़े प्लेन्स लैंड किए जाते हैं और बड़े हवाई जहाजों के हिसाब से ये रनवे बहुत छोटा है। इस एयरपोर्ट के चारों तरफ मौजूद बड़े बड़े पहाड़ छोटे से रनवे पर लैंडिंग के काम को और ज्यादा मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि पहाड़ों के कारण विमान को पट्टी पर उतारने का सीधा रास्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से प्लेन्स को हवा में ही टर्न लेते हुए लैंडिंग करनी पड़ती है। ऐसे में कई बार रनवे के काफी नजदीक आ जाने के बाद भी प्लेन पूरी तरह सीधा नहीं हो पाता और प्लेन की क्रॉस लैंडिंग करना पड़ती है। बड़े प्लेन्स की छोटे से रनवे पर क्रॉस लैंडिंग करवाना अपने आप में एक बहुत खतरनाक काम है, क्योंकि यहां रनवे खत्म होते ही पहाड़ हैं और लैंडिंग के समय प्लेन की स्पीड तेजी से कम करते हुए टर्न भी लेना पड़ता है। गिब्राल्टार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गिब्राल्टार। ब्रिटेन की एक छोटी सी जगह गिब्राल्टार का ये एयरपोर्ट बहुत अनोखा है, क्योंकि इस एयरपोर्ट का रनवे हाईवे के बीचों बीच बना है। चलती सड़क के बीच में रेलवे क्रॉसिंग होना एक आम बात है। रेलवे क्रॉसिंग के गेट्स बंद होने पर ट्रैफिक रुकता है और ट्रेन निकल जाने के बाद रोड दोबारा चालू हो जाता है। ठीक इसी तरह का दृश्य गिब्राल्टार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी दिखाई देता है। हाईवे के बीच में बना होने के साथ साथ इस एयरपोर्ट का रनवे भी काफी छोटा है और साथ ही एयरपोर्ट के दोनों छोर मेडिटेरेनियन सी से घिरे हुए हैं। प्लेन के टेक ऑफ और लैंड होते समय हाईवे के ट्रैफिक को रोकना पड़ता है और छोटा रनवे होने के कारण पायलट को तेजी से ब्रेक लगाकर विमान की रफ्तार कम करनी पड़ती है। इस दौरान हुई एक छोटी सी भी चूक प्लेन को सीधे समुद्र के अंदर पहुंचा सकती है या फिर नजदीक खड़े ट्रैफिक से टक्कर करवा सकती है। अगाटी आइलैंड एयरपोर्ट, लक्षद्वीप, इंडिया। लक्षद्वीप का ये छोटा सा एयरपोर्ट समुद्र के बीचों बीच एक पट्टी पर बना हुआ है। मात्र 30 मीटर छोटे, 1204 मीटर लंबे और चारों तरफ समुद्री पानी से घिरे हुए इस रनवे पर प्लेन को लैंड करवाना अपने आप में एक बहुत जोखिम भरा काम है, क्योंकि इस छोटे से रनवे पर सही समय पर ब्रेक्स लगाकर प्लेन कंट्रोल नहीं किया तो विमान सीधा पानी में क्रैश हो सकता है। इस लंबे आइलैंड पर रनवे का निर्माण सन 1988 में डॉर्नियर 228 जैसे छोटे विमानों को उतारने के लिए किया गया था। उस समय इसे सिर्फ टेम्पररी तौर पर बनाया गया था जहां ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, जिसके बाद 2010 में फाइनली इस एयरपोर्ट को पूरी तरह ऑपरेशनल बना दिया गया। गिस्बर्न एयरपोर्ट, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का ये एयरपोर्ट भी ब्रिटेन के गिब्राल्टार इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह ही है, लेकिन यहाँ के लोगों को प्लेन गुजरने तक रुकना नहीं पड़ता बल्कि खुद प्लेन को रुकना पड़ता है, क्योंकि इस एयरपोर्ट के रनवे के बीच से एक रेलवे ट्रैक गुजरता है। दुनिया में ऐसे बहुत कम एयरपोर्ट्स हैं जिनके बीच में से ट्रेन गुजरती हो। यहाँ प्लेन और ट्रेन का संचलन एक साथ होता है और सुबह से लेकर शाम तक रेल और प्लेन मार्ग दोनों काफी व्यस्त रहते हैं। ऐसे में कई बार प्लेन के लैंडिंग करते समय भी रनवे से ट्रेन गुजरती हुई नजर आ जाती है, इसकी वजह से लैंडिंग को पोस्टपोन भी करना पड़ता है। कोर्शेवेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फ्रांस। इस एयरपोर्ट का रनवे दुनिया के सबसे छोटे रनवेज में से एक है, जिसकी लेंथ मात्र 537 मीटर ही है। आमतौर पर रनवेज सीधे होते हैं, जिस पर प्लेन्स को संभालना ज्यादा आसान बन जाता है, लेकिन छोटा होने के साथ साथ ये रनवे ढलान पर है और इस जगह चारों ओर बर्फ के पहाड़ होने की वजह से रनवे पर हमेशा फिसलन बनी रहती है। एक साधारण प्लेन उड़ाने वाले पायलट के लिए बर्फीली घाटियों के बीच में बने इस एयरपोर्ट पर प्लेन उतार पाना असंभव है, इसलिए यहां के पायलट्स को प्लेन उड़ाने के लिए स्पेशल सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। छोटे रनवे से उड़ान भरना और बर्फीली फिसलन वाली जगह पर प्लेन को लैंड करने के लिए हर बार पायलट को काफी संघर्ष करना पड़ता है और जब तक लोग प्लेन से सही सलामत बाहर ना आ जाएं, तब तक अंदर बैठे सभी लोगों की सांसें अटकी हुई ही होती हैं। पारो एयरपोर्ट, भूटान, हिमालयन माउंटेन्स। पारो एयरपोर्ट भूटान के चार सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये एयरपोर्ट हिमालय की गहरी घाटियों के बीचों बीच मौजूद है। यहाँ पर प्लेन लैंड करवाना दुनिया की सबसे खतरनाक प्लेन लैंडिंग में से एक माना जाता है। पहाड़ों के बीच में होने की वजह से बदलते मौसम और तेज हवाओं से विमान को रनवे पर उतारते समय काफी मुश्किलें पैदा होती हैं और एयरपोर्ट का छोटा रनवे इस जगह को और खतरनाक बनाने में बची कुची कसर को पूरा कर देता है। पहाड़ों की वजह से रनवे पर प्लेन सीधा नहीं लाया जा सकता, इसलिए पायलट्स को प्लेन घुमाते हुए नीचे रनवे पर लैंड करना होता है। रनवे की लंबाई मात्र 1981 मीटर्स है, जिस पर बड़े आकार के प्लेन्स की क्रॉस लैंडिंग करना पूरी तरह असंभव है।
सही टाइम पर प्लेन की स्पीड कंट्रोल ना होने की वजह से विमान की पहाड़ों से टक्कर भी हो सकती है और प्लेन रनवे पर टेढ़ा भी हो सकता है। 12 एयरपोर्ट। 12 के स्कॉटिश आइलैंड पर बना ये एयरपोर्ट एक बीच एयरपोर्ट है। हालांकि यहाँ लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए तीन अलग अलग रनवेज हैं, पर एक बार में केवल एक ही रनवे यूज किया जाता है। बीच पर बना होने की वजह से इस एयरपोर्ट पर मौसम और समुद्री हलचल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इस बीच पर इमरजेंसी या आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समुद्र पर होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान लहरों की वजह से दुर्घटना भी हो सकती है। यहाँ रनवे पर हमेशा पानी और समुद्री रेत होती है, जिससे इस जगह में फिसलन बनी रहती है और प्लेन को बहुत सावधानी से लैंड करना पड़ता है। कई बार बड़ी लहरों की वजह से रनवे पूरी तरह पानी में डूब भी जाता है, इसलिए रात के समय यहाँ लैंडिंग करना असंभव है, क्योंकि समुद्र के पास तेज हवाओं और लहरों की वजह से यहाँ प्लेन उतारना बहुत खतरनाक बन जाता है। इसलिए इस काम का समय हमेशा पहले से ही मौसम के हालात के हिसाब से निर्धारित किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय।